अब आइए हाफिज आशिक हुसैन महबूबी को आपके समाज के हवाले कर देने जा रहा हूँ। उनका नारा से इस्तेमाल कर ले, जोरदार नारा लगे, नारे अल्लाह ताला की बारगाह में लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आज मुकम्मल हाफिज कुरान बनाया। बचपन से मेरी सोच थी कि मैं मदरसा जाऊंगा और हाफिज कुरान बनूंगा। अल्लाह ताला ने मेरी उस ख्वाहिश को पूरी फरमाया। हमारे उस्ताद आरिफ साहब क़िबला की काफ़ी मेहनत है हमें हाफिज बनाने में, और मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे उस्ताद की दुआ है, वासे आज़म का फैजान है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, हुजूर सैयदना पाक दर शरीफ व हुजूर आला हज़रत अली रहमा, जुमला तमाम बुजुर्गान अजीम के फैज़ से बरकत है हम पर। अल्लाह ताला ने तमाम बुजुर्गान अजीम के सदक़े में हमें आज मुकम्मल हाफ़िज़ कुरान बनाया। मदरसा जुमला मदरसा हाजा के तमाम मेम्बरान व मुहिब्बान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया व आखिरत में शाद व आबाद रखे। और जो मदरसा महबूब लोग या किसी इदारे से नफरत करता हो, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। इसी दौरान एक गुफ्तगू में कुछ नसीहत की बातें रखना चाह रहा हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि इल्म दीन हासिल करने में क्या फ़वाइद है तो लोग खून बहाकर दरिया में घुस कर भी हासिल करते। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तहावी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की नकल फरमाते हैं कि जिस बस्ती से तालिब इल्म गुजरता है उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 फीट का आज़ाब उठा लिया जाता है। और आगे सुनिए हज़रत हसन बिन सालिह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोग दीन के इल्म के इस तरह मोहताज हैं जिस तरह दुनिया में खाने पीने के मोहताज हैं। यहीं से अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। वाफ़ुल दावना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताबों में जो कुछ